सरकारी राशन डीलर अब विरोध में उतरा है। खाजू वाले के राशन विक्रेताओं के द्वारा आज उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर संपूर्ण कमीशन दिलवाने व ट्रांसपोर्ट राशि दिलवाने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला रसद अधिकारी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि अप्रैल माह का स्टॉक मार्च में आने के कारण कुछ राशन विक्रेताओं द्वारा अप्रैल माह की राशि सोसाइटी में जमा करवाई गई थी, जो वापस दिलवाने की मांग की गई। सरकार ने जून में गेहूं व दाल फ्री देने के वादे किए, जिसे आदेश भी दिए, जबकि राशन विक्रेताओं से उसकी राशि ली गई। राशन विक्रेताओं को अभी तक अप्रैल का ही कमीशन नहीं दिया गया। शेष 2 महीनों का कमीशन दिलवाने सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलरों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत मुख्यालय को जहीं भी दुकान है वहाँ पहुँचाने का था, और इन्होंने यहाँ सोसाइटी से सबको माल दिया, जिसका सबने डीलरों ने अपना अपना परिवहन वाहन किए। ये आज की मांग पूर्णता कमीशन राशन विक्रेता भाई 7 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ खाजवाड़ा पंचायत घर में एकत्रित हुए। उनमें से हमारे जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि पिछले 3 महीनों से अप्रैल, मई और जून में सरकार द्वारा, राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा गेहूँ फ्री वितरण किया जा रहा है। अभी जो हमें कमीशन मिला है वो मात्र अप्रैल का मिला है, मई और जून का कमीशन बाकी है। और जून का कमीशन हमारे सोसाइटी में पहले हमें फ्री में वितरित करवाकर बाद में हमें हमारा वो कमीशन उसके पैसे काटे गए। और दाल का अभी तक कोई भी हमें कमीशन नहीं मिला है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भी चना और गेहूँ हमें दिए गए, उसका कोई कमीशन नहीं मिला है। और आंगनबाड़ी की जो दाल है उसका हम समय अपना ट्रांसपोर्ट खर्चा भर के यहाँ से सोसाइटी से वहन कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया जा रहा है। ये हमारी मुख्य मांग है। नाम बताओ।